पर मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच अब्बास भाई, ये सच्ची बात है, ये इतना कंफर्टेबल कर देते हैं एक्टर को कि कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते कोई एक लाइन मुंह से निकल जाता है, मैं बोलता हूँ कि अब्बास भाई ऐसा बोल दूं, तो ये हमेशा ही ओपन रहे उस चीज को लेकर कि हाँ, पर हाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनसे हमेशा जरूर सलाह करता था कि भाई ऐसा कुछ आ रहा है। तो दूसरी बात, मैंने जब पहला फिल्म का मुहूर्त शॉट दिया था उस समय रात हम लोग कॉमेडी नाइट्स का शूट कर रहे थे, 2:30 बजे मेरा पैकअप हुआ, तो जब आपके पास कम टाइम होता है सोने के लिए तो टेंशन में वो भी नींद नहीं आती, तो सुबह 6 बजे का 7 बजे का कॉल टाइम था मड में, तो मुझे टेंशन में वो जो 2-3 घंटे थे उसमें भी नींद नहीं आई, मैं पूरी रात नहीं सोया था, कॉमेडी नाइट्स का शूट किया था और एक सेकंड भी आंख नहीं लगी। तो मुहूर्त शॉट जब आप फिल्म में देखेंगे तो जो मैं पहला शॉट है जो शादी का, वो मैंने पूरी रात जाग के दिया था, लेकिन पता नहीं वो एनर्जी कहां से आ गई, मेरे ख्याल से ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो ध्यान रखता है आपका, सो इसीलिए हम लोग पहले गणेश वंदना करते हैं। सो उस रात मैंने बस भाई को बताया था, पर ये इतना कंफर्ट कर देते हैं आर्टिस्ट को कि लगता नहीं हम लोग काम पे हैं, क्योंकि मैंने टीवी पे काम किया है। पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि आई हेट द वे टीवी वर्क्स, कोई फैन के साथ चैटिंग कर रहे थे हम लोग, टीवी ने मुझे सब कुछ दिया है, बात ये नहीं है कि, लेकिन टीवी में क्या होता है कि जैसे मुझे स्लिप डिस्क हुआ फेब में जब हम लोग गानों की शूट कर रहे थे, मैं आप सबको बताना चाहता हूं बिकॉज बहुत सारे र्यूमर्स आते हैं, हम लोग कभी नहीं मिल पाते इतना यूजली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या था। हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे फेब में, उस दौरान मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, फिर मैं 3-4 महीने खींचता रहा अपने आपको, क्योंकि एनी हाउ आपको यू हैव टू प्रोड्यूस एपिसोड फॉर द टेलीकास्ट, यू नो अगर मैं संडे को एपिसोड मेरा जाना है तो चाहे मैं बीमार हूं चाहे नहीं हूं मुझे करना पड़ता है। तो उस तरीके से मैंने कहा था कि ये तरीका मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो वो आज भी मैं रिकवर कर रहा हूं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि अच्छा कि ये यूएस चला गया शोज करने और शो बंद किया, ऐसा नहीं है, हम लोग फेब से प्रॉब्लम हुआ था, ये फेब से जून तक खींचते रहे, फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया क्योंकि एक साल पहले की कमिटमेंट थी यूएस में भी लोगों की कि हम लोग यूएस आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं, सो वो लोग भी इतना प्यार करते हैं, वहां पे भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, उन्होंने बड़े बड़े अरीनाज बुक किए थे, 15,000 का क्राउड था, मंजरी मेरे साथ थी वहां पे, सो ये सारी चीजें हैं, तो मैं क्लियर करना चाहता था। अच्छा हुआ आज आज आपने ये सवाल पूछ लिया तो बातों बातों में ये बात भी निकल गई। सो इस तरीके